आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन से बने हुए लड्डू की रेसिपी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बेसन लिया है, साथ में लिया है घी। तो ये घी जो है वो जमा हुआ है, मेल्टेड फॉर्म में अगर करेंगे तो ये घी आधी कटोरी है। साथ में 4 इलायची ली है और यहाँ 1 कटोरी चीनी लिया है। तो इस चीनी को हमें अच्छे से पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है और इसमें घी डाल देंगे। तो घी जब हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बेसन को। डालने के बाद से हमें बेसन को घी में अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी तरह से चलाते हुए। तो गैस की जो फ्लेम है उसको हमें मीडियम पे ही रखनी है, ज़्यादा हाई या फिर ज़्यादा लो नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई करेंगे तो जो बेसन होगा वो हमारा जलने लगेगा और लो करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ देखिए बेसन का थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमें अभी और भी भूनना है बेसन को, तब तक जब तक ये घी ना छोड़ दे। तो यहाँ पे हमें बेसन में थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो 1 चम्मच घी मैंने और ऐड कर दिया है और इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। तो इसी तरह से जब लगातार चलाते हुए भूनेंगे ना तो ये जो बेसन है हमारा वो घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और फिर लगातार और भी चलाएंगे 2 से 3 मिनट तो ये पूरी तरह से घी को छोड़ देगा। तो बस ऐसा ही हमें मिक्सचर चाहिए लड्डू बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने गैस को, जब इस मिक्सचर में आ गया ये, तो गैस को बंद करेंगे और ऊपर से पानी के छींटे देंगे। पानी के छींटे मैंने इसलिए यहाँ पे दिए हैं कि ये जो लड्डू बनेंगे ना बेसन के, वो थोड़े से दानेदार बनेंगे पानी के छींटे देने से। तो यहाँ पे बस पानी के छींटे देने के बाद लगातार चलाएंगे और उसके बाद से इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है वो हल्का सा ठंडा हो जाए। जब ये थोड़ा हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी को मिक्स करेंगे और चीनी को मिक्स करके, चीनी को हमें अच्छे से बेसन में थोड़ा थोड़ा डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा चीनी डाल के बेसन में अच्छे से मिक्स किया है। तो जितना हमारा बेसन था उसका आधा चीनी लगा है यहाँ पे। तो ये देखिए इसी तरह से चलाते हुए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद से इसे 5 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो बेसन है ना वो हल्का सा ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि इसे हम हाथों से टच करके इसके लड्डू बना सके, मतलब हाथों में सहन करने लायक हो। तो बस इसे मैंने 5 मिनट तक छोड़ा था और 5 मिनट के बाद से मैंने इसके लड्डू बना लिए हैं। तो इस तरह से जितना हाथों में आपके मिक्सचर आता है उतना उठाइए और फिर जिस हिसाब से आपको छोटे ज़्यादा साइज़ बनाने हैं या फिर ज़्यादा मीडियम साइज़ के बनाने हैं या फिर बड़े साइज़ के बनाने, तो उस हिसाब से आप मिक्सचर उठाइए और लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के ही लड्डू बनाए हैं, तो मेरे जितने भी लड्डू बने हैं सब एक ही साइज़ के बने हुए हैं। तो कैसी लगी हमारी आज की बेसन के लड्डू की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।